Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here. तो गाइस, मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये मिनीसो का शेल मेकअप बेस और मैं इसे लगाऊंगी अपने आईलिड पे एज अ बेस. और बहुत ही ग्लिटरी एंड बहुत ही प्यारा ये बेस है, प्राइमर बेस, तो मुझे बहुत पसंद है ये. सो आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल का ये नियॉन आई शेडो पैलेट है और इसमें से मैं शेड लूंगी यहाँ पे जो ये शेड है ग्रीन वाला है और मेरे ड्रेस से बहुत अच्छा मैच करता है ये. फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इफ़ यू वांट आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्लैट ब्रश, उससे बहुत अच्छे से लगेगा. बट मुझे फिंगर ही यूज़ करना पसंद है आई शेडो के लिए बिकॉज बहुत ही अच्छा पिगमेंट आता है इससे. मैंने थोड़ा और प्रोडक्ट ले लिया है मेरे ब्लेंडिंग ब्रश में. होता है आप जितना इसे ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा. गाइस, मैं ये सेम शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूंगी. कभी कभार क्या होता है कि ये जो आई शेडो जो डस्ट होता है ये हमारे आंखों के अंदर जा सकता है, इससे हमें इरिटेशन हो सकती है. और मैंने लेंस पहना हुआ है तो ऑब्वियसली अगर आपने लेंस भी पहना हुआ है अपनी आंखों में तो बहुत ही केयरफुली कीजिए. नाउ गाइस, मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लिटर जो है शेड डायमंड डस्ट 02 में. इसे गाइस मैं अपने लिड के सेंटर में अप्लाई करूंगी. नाउ फॉर द लैशेस गाइस, मैं यूज कर रही हूँ ये शीन के लैशेस जो है शेड 03 में. So now guys, so my eyes are done. मैं ले रही हूँ ये पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर एंड बहुत ही अच्छा है गाइज ये मॉइस्चराइजर, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्रेग्रेंस एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये स्किन. नेक्स्ट गाइज, मैं अप्लाई करूंगी ये एंजल वीएल और वायल. ये है NYX का प्राइमर जहां जहां मेरे ओपन पोर्स हैं. एंड स्टिपलिंग ब्रश से ब्लेंडिंग कर दूंगी. फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग नायका स्किन जीनियस स्कल्पिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और ये है शेड प्योर आइवरी में. I am going to blend with the stippling brush again. So guys, अब मैं ले रही हूँ ये Wet n Wild का setting spray और मैं इसे एक बार spray कर रही हूँ सबसे पहले ताकि मेरा base set रहे. With the help of the beauty sponge मैं इसे dab in करूँगी ताकि जो product है वो अच्छे से मेरे skin में absorb हो जाए. गाइस, फॉर द कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर, शेड है C5 में. और मैं इसे अपने अंडरनीथ आईज, ब्रिज ऑफ माय नोज, फोरहेड, चिन पे एंड क्यूपिड्स बो पे एंड ऑल्सो इस साइड, यस, कॉर्नर ऑफ माई लिप्स पे भी. मैं इसे इसी ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करूंगी. Oh baby, I want you to be here when the sun comes up and the day goes by. For the compact powder मैं यूज कर रही हूँ ये नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर और ये मैंने
अपने अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने यूज़ किया है। समर्स के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है गाइज ये। पंटो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूअल एंडेड कॉन्टोर स्टिक, इट मीडियम टू टैन के लिए है ये गाइज। तो मैं इसे अप्लाई करूँगी जॉ लाइन पे, ब्रिज ऑफ माई नोज, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टोर ब्रश मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग प्रोसेस तगड़ा होना चाहिए गाइज, क्योंकि अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो पैच सा नज़र आता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये, और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि भाई क्या लगाया ये, मतलब यहाँ से काला काला नज़र आ रहा है। शूट क्या बोल दिया, मतलब बेइज्जती कर दिया यार। बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा कॉन्टोर, क्योंकि ये नज़र आता है। ये थोड़ा सा आपके स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क शेड है तो इसीलिए नज़र आता है। अब मैं ले रही हूँ गाइस एले कलर्स का ये सोची की ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट पीचेस एंड क्रीम, और इसमें जो बीच के दो शेड हैं वो मैं लूँगी इन दोनों का कॉन्कॉक्शन, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई। देन गाइस फॉर द हाइलाइटर मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो शेड है गोल्डन कलर का, ये मैं अप्लाई करूंगी, और मैं हल्का सा मैंने ब्रश से अप्लाई किया है एंड देन मैं इसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस मैं सेम हाइलाइटर लूंगी और मैं उसे अपने टियर डक्ट पे भी अप्लाई करूंगी ताकि मेरी आईज थोड़ी ओपन लगे। सो गाइस नाउ फॉर द लिप पार्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ दो शेड, आई हैव द मिलानी वन फर्स्ट शेड एंड द सेकंड वन इज दिस मेबेलिन का सुपर स्टे मैटे। अगर आप कुछ चाहते हैं न्यूडिश लिप्स विद दिस एंटायर लुक तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, और इफ यू वॉन्ट लिटिल बिट यू नो हैवी लुक में तो मैं अप्लाई करूंगी दिस मिलानी वाला। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ अप्लाई करके मेबेलिन का सुपर स्टे मैटिंग, एंड दिस इज इन द शेड डेलिकेट 225। Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, So guys, जो next shade मैं apply कर रही हूँ वो है ये मिलानी की अमोर मैट, और ये है शेड 15 गॉर्जियस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आपको मेरी दोनों लिपस्टिक शेड्स भी पसंद आई हो तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, न्यूड और दिस वन। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।